हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। ओके, और लेक्चर नंबर 11 हायर परचेज का और सम नंबर 12। तो अब तक हमने 10 लेक्चर हायर परचेज के करके रखे हैं और 10 के 10 लेक्चर बहुत अच्छे से समझाए मैंने, आप अच्छे से देख लेना। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और थोड़े बहुत स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर देख लोगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने काफी छोटी छोटी मतलब पॉइंटें नहीं समझाई है, मतलब डायरेक्ट सम करवाए, अच्छे से समझाया है, सब में जो पॉइंट्स है वो समझाई है। लेकिन जो हायर परचेज का इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से समझाया है, जहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है ना कि चैप्टर क्या है कैसे, वो लेक्चर नंबर 1 2। मेरा कोई भी चैप्टर अगर उठा रहे हो तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 तो जरूर देखना, क्योंकि वहां से मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ। क्लियर? तो बस आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 इस तरह से 3-4 लेक्चर शुरुआत के देख लो। ओके, तो हम सब नंबर 12 और लेक्चर नंबर 11 आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जस्ट मोटिवेशन मिलता है हमें और कुछ नहीं। तो चलिए सब नंबर 12 रीड करते हैं क्या दिया है। तो सब नंबर 12 में दिया है आपको, ऑन 1/1/2007 को अ कंपनी परचेज वन मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब एक कंपनी है, उसने एक हायर परचेज पे मशीन ली है, ठीक है ना। तो कंपनी कौन हो जाती है? परचेसर हो जाती है। द अमाउंट इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब देखो ये वाला सम का मैं सस्पेंस खोल देता हूँ कि ये वाला सम जो है आपका एन्युटी वाला है। तो इसके पहले जो मैंने आई थिंक लेक्चर नंबर 10 करवाया था, उसमें सम नंबर 11 कराया था, उसमें मैंने आपको कैश प्राइस निकालना सिखा दिया था। और आपको जस्ट मैंने आपसे कहा था कि जो नेसेसरी अकाउंट है वो आपका कौन सा परचेसर के बुक्स में आता है, एक ये मशीन अकाउंट आएगा और दूसरा आपके आता है वेंडर अकाउंट, तो वो तो आप खुद बना लोगे, वो मैंने सब नंबर 11 में आपसे कहा था। लेकिन सब नंबर 12 में मैं आपको कैश प्राइस को निकालना सिखाऊंगा जैसे सब नंबर 11 में निकाला है, उसके साथ साथ मैं आपको मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट दोनों यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? तो इस वाले सब में क्या बोला है देखो, अमाउंट इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 20,000। और इंटरेस्ट चार्ज कितना कर रहे हैं हम? 5% कर रहे हैं, ठीक है। और एन्युटी टेबल क्या बोल रहा है? ₹143 एट 5% रुपीज। ये तो फिलहाल इस वाले पॉइंट को आप जस्ट खाली दिमाग में लो क्या लिखा है, बाकी सबको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब कैश प्राइस कैसे निकालना है। और अकाउंटिंग ये 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? और हमें मशीनरी का जो डेप्रिशिएट हो रहा है वो 10% पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हो रहा है, मतलब 10% पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ओके, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकते हैं। और प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ मेरा ऑलरेडी जो अकाउंट बना हुआ है उसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट डेट जो है वो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। तो चलिए वो तो जब हम पॉइंट करेंगे तब मैं ठीक कर दूंगा। सबसे पहले कैश प्राइस निकालते हैं। चलिए तो इस वाले सम में कैश प्राइस कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल टोटल इंस्टॉलमेंट पेड, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रहे हो आप? 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल कितना आता है? 20,000 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल आपने कितना? 60,000। 60,000 एज ए इंस्टॉलमेंट आपने पे किया। अब क्या करना है, ये 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो एन्यूटी वाले से, एन्यूटी का जो दिया है नंबर ₹2.72325, 2.72325, और इसको डिवाइड कर दो। आपके कितने महीने हैं? 3 महीने हैं, तो 3 महीने से। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से कर रहा हूं, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। तो 60,000 मल्टीप्लाई करिए 2.72325 और डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 5,4465 जो ये आंसर आया, ये आंसर आपका क्या होता है? ये आपका होता है शुरुआत का कैश प्राइस मशीनरी का।
शुरुआत का, मतलब कितने की मशीनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैश प्राइस मिल चुका है और ये एक एक 2007 का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे दिया ना एक एक 2007, तो कितने का प्राइस है ये, कितना का था, 5,4,4,6,5। अब कोई भी डाउन पेमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं इधर यहाँ पे डैश कर रहा हूँ और क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना होगा, 5,4,4,6,5। अब मेरा यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर जो कंप्लीट हो रहा है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। सॉरी, तो 1/1/2007 से लेके अगर मैं करूँ तो 31/12/2007 को मेरा पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 31/12/2008 को आएगा और तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा 31/12/2009 को। क्लियर? अब 1/1/2007 का जो यहाँ पे बैलेंस था वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस आएगा 5,4,4,6,5, और इंटरेस्ट कितना चार्ज करना देखेंगे हम, 5% करना है। तो 5,4,6,5 का अगर मैं 5% करूँ तो 2,723 का मेरा इंटरेस्ट आता है, और आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 20,000 की। 20,000 के तीनों इंस्टॉलमेंट है, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। अब क्या करते हैं हम, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा जो भी अमाउंट आएगा वो कैश प्राइस के अगेंस्ट सेट होने वाला है। तो 17,277 आपका इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो 17,277 आएगा। अब 5,4,6,5 को सेट कर देंगे ये कैश प्राइस वाले अमाउंट से, तो आपका बैलेंस बच रहा है 31/12/2007 को 37,188। अब यहाँ का वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब 37,188 पे हम 5% का इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो 1,859.4 आ रहा है, तो मैं इसको 1,859 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देंगे तो आपके पास कैश प्राइस के सामने अगेंस्ट कितना सेट होने वाला है, 18,141। तो 37,188 से सेट कर देंगे तो कितना आता है, 19,047। क्लोजिंग बैलेंस 31/12/2008 का, अब 19,047 31/12/2009 का ओपनिंग बैलेंस। अब इस पे निकालेंगे 5% तो आपका आ रहा है 952। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 952 लिखोगे तो आपका 1 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, तो आप यहाँ पे 953 कर दीजिए, 953 कर दीजिए। लास्ट में तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में तो 0 ही होने वाली है आपकी वैल्यू, तो 20,000 माइनस 953 करोगे तो आपका आएगा 19,047, और ये आपके सामने कैश प्राइस के सामने सेट हो जाएगा, तो कितना वैल्यू बचेगा, 0, जो कि नील ही आना चाहिए। तो 3 इंस्टॉलमेंट इस तरह से मैंने पे किए। क्लियर? तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा, इसका एडिंग तो मैंने दिया ही नहीं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बढ़िया हेडिंग हम लास्ट में दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, डेप्रिसिएशन का हेडिंग पहले दे देते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे ओपनिंग तो लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ 31/12/2007। यहाँ पे कितना था, 7 था। ठीक है, 5,4,6,5 ये आपका अमाउंट था, बराबर। अब हमें फिक्स्ड 10% एवरी ईयर करना है ना, 5,4,6,5 का 10% निकाल रहा हूँ तो 5,447 देख लेते, वही डेप्रिसिएशन, ये इन्होंने गिनाया नहीं, गिना है तो 5,447 ही लिया है। मैं चेक कर रहा था पॉइंट में थे तो 6 तो नहीं काउंट कर रहे। 5,465 माइनस 5,447 करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 31/12/2007 का आता है 49,018। अब 31/12/2008 का मशीन का वैल्यू रहता है 49,018। डेप्रिसिएशन सेम करना है क्योंकि हमें फिक्स्ड लिखा है उसमें, तो 5,447 माइनस करने के बाद आ गया 43,571। अब 31/12/2009 तो 43,571 डेप्रिसिएशन विल बी सेम 5,447। अब आपकी वैल्यू आई मशीनरी की 3,124। क्लियर? तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। अब हम करेंगे मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में मुझे जस्ट क्या करना है, डेट को ठीक करना है। ये मेरी ओल्ड जो मैंने सम किया था उसकी डेट है, मैं यहाँ पे डेट सिर्फ हटा देता हूँ, बाकी तो सम एज इट इज ही है।
अब देखो 1/1/2007 को एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डाउन पेमेंट नहीं था, यहाँ पे कोई भी डाउन पेमेंट नहीं था, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ, ये क्या परचेसर है, पहली एंट्री लिखते हैं हम। फर्स्ट एंट्री हमारी आती है 31/12/2007 को, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू वेंडर अकाउंट। क्यों वेंडर लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नाम नहीं दिया है और उन्होंने बोला है वेंडर अकाउंट बनाओ। एक तो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया किससे परचेस कर रहे, तो मतलब परचेसर कौन है, ठीक है, सिर्फ कंपनी लिखा है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी परचेस कर रही है ना वन मशीन ऑन हायर परचेस, लेकिन किससे वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है वेंडर अकाउंट बनाओ, तो बस मैंने यहाँ पे इसका नाम वेंडर दे दे रहा हूँ, टू वेंडर अकाउंट। और कितना वेंडर अकाउंट आएगा, जितना मैंने उसको अमाउंट दिया, कितना अमाउंट दिया हम देख लेते। तो मशीनरी अकाउंट में आप वेंडर अकाउंट कितना डेबिट करते हो, जितने का मशीनरी का कॉस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हो। तो मशीनरी की अगर बात करूं तो 3 इंस्टॉलमेंट आपके आएगी, 172/77, 181/41 और 190/47, ये आपका वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी। तो टू वेंडर अकाउंट में सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कैश प्राइस वाली आएगी 172/77। ठीक है, अब 31/12/2007 को डेप्रिसिएशन काउंट होगा कितने का, 5447 का। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 31/12/2007। ठीक है, तो ये आपका हो गया 172/77, और माइनस करने के बाद बैलेंस आता है 11,830। ये 31/12/2007 का क्लोजिंग था, तो 1/1/2008 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा 11830। अब उसके बाद 31/12/2008 को मैंने कितना पेमेंट किया था वेंडर को, कैश प्राइस वाला, तो 18141। क्लियर, तो 11830+18141, तो आपका वैल्यू आ रहा है 229971। सेम यहाँ पे लिख दो 29,971। अब 31/12/2008 को डेप्रिसिएशन काउंट किया था, सेम काउंट करने वाले हम 5447 एवरी ईयर, तो यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, तो बैलेंस बचता है हमारा मशीनरी का 24524 31/12/2008 का। अब ये बैलेंस हमारा 1 जनवरी 2009 का हो जाएगा ओपनिंग 24524, और 31/12/2009 का हमने पेमेंट कितना किया था, 19047। क्लियर, अब 31/12/2009 को डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा, सेम 5447, और 31/12/2009 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, 19047 है, तो 24524 ओपनिंग बैलेंस प्लस 19047 इंस्टॉलमेंट 43571, 43571 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 38124, और ये वैल्यू यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में भी होनी चाहिए 38124। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट टैली हो गया, मीन्स के आपका सम यहाँ तक करेक्ट ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेंडर अकाउंट में। तो वेंडर अकाउंट में क्या रहता है, जितनी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आप लिखोगे और उसको पेमेंट करोगे, तो आप यहाँ पे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट करोगे, वेंडर डेबिट होगा और इंस्टॉलमेंट आएगी तो वेंडर क्रेडिट होगा। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, ये ओल्ड डेट्स है, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे हम, वो होगी 31/12/2007 को। ठीक है, मशीन अकाउंट कितना डेबिट होगा, 17277, और इंटरेस्ट कितना था, 2723। तो टोटल हमारा कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हुआ, 20,000, और हमने ये 31/12/2007 को पे कर दिया। ठीक है, 20,000 यहाँ पे हो गया नील बैलेंस 20,000। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है 31/12/2008 को, मशीन अकाउंट यहाँ पे कितना होगा, 18141, और इंटरेस्ट कितना है, 1859। टोटल अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की 20,000।
और ये मैंने 31/12/2008 को पे कर दिया 20,000। क्लियर? अब हम करेंगे आगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की ओर। थर्ड इंस्टॉलमेंट थी हमारी 31/12/2009 को 19047, और सेम हमारा इंटरेस्ट वीडियो होगा 31/12/2009 को 953 का। टोटल हो गया 20,000, और ये 20,000 हमने 31/12/2009 को पे कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश प्राइस, एनुटी वाला, टोटली सम कंप्लीट हो गया अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।